ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। इस गीत को सुनकर मेरठ के एक दीवाने ने इतना लंबा प्रेम पत्र लिख डाला कि उनकी पत्नी वाकई में नाराज हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो पति द्वारा किए गए इस काम को देखकर उनकी आंख भी भर आई। बता दें कि मेरठ जिले के रहने वाले जीवनलाल बिष्ट द्वारा अपनी ही पत्नी को लिखा गया प्रेम पत्र आज भी दुनिया के बेहतरीन प्रेम पत्रों में शामिल है। 8 किलो के प्रेम पत्र में पूरा जीवन खोलकर रख दिया। दरअसल जीवनलाल बिष्ट के इस प्रेम पत्र के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 8 किलो के इस प्रेम पत्र में जीवन ने जहां अपनी पत्नी के सामने किताब की तरह अपना पूरा जीवन खोलकर रख दिया है, वहीं इस प्रेम पत्र में तत्कालीन समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ बताया गया है। बताते चले कि जिले के रहने वाले जीवन शीष सरकारी विभाग से रिटायर कर्मचारी है। वर्तमान समय में जीवन लगभग 65 साल के हो चुके हैं। जीवन की पत्नी कमला शुरू से ही उत्तराखंड में रहती है। ऐसे में पत्नी से अगाध प्रेम करने वाले जीवन और उनकी पत्नी कमला के बीच वर्षों पहले छोटी मोटी अनबन हुई, जिसके बाद जीवन ने अपनी पत्नी को मनाने के लिए एक अनूठा रास्ता अपनाया। साल 2000 में जीवन ने अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखना शुरू किया। इस प्रेम पत्र में जीवन ने अपनी पूरी जिंदगी के पन्नों को पत्नी कमला के सामने खोल कर रख दिया। वही उस समय चल रहे कारगिल युद्ध और ओडिशा त्रासदी का भी पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार पत्र में लिखा। नतीजा यह रहा कि लिखते लिखते इस पत्र का वजन 8 किलो का हो गया और इसे लिखने में लगभग 2 महीने का समय लगा। जीवन बताते हैं कि उस समय में इस पत्र को पोस्ट करने के लिए उनके 700 रुपये खर्च हुए थे, मगर इतना भारी भरकम लव लेटर देखकर उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई। जिसके बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो पति द्वारा किए गए इस काम को देखकर कमला की भी आँख भर आई। जीवन के जीवन की बात करें तो उन्हें विचित्र कामों का शौक रहा है। जीवन के पास एक से बढ़कर एक डाक टिकटों का संग्रह भी है। सबसे भारी मूली और बैंगन उगाने के लिए भी जीवन को रिकॉर्डधारी जीवन कहा जाता है। जीवन बताते हैं कि अपनी उपलब्धियों के लिए उनका काम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। उनका पूरा कमरा रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। फिलहाल जीवन ने समाज को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है।